गर्ल्स, मैं पूजा, मैं शिवानी और मैं अभि। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हमारे सामने रखे हुए हैं 3 types के मोमोज, जो कि मेरे को सबसे ज्यादा खुशबू आ रही है अपने सामने रखे हुए मोमोज में। ये हैं चिली मोमोज, सबसे ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं मेरे को। मतलब इनफैक्ट मेरे को कुरकुरे मोमोज कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास से जो खुशबू आ रही है ना, ओए होए, आई जस्ट कांट वेट टू ईट देम। और गाइस आप देख सकते हो मेरे सामने रखे हैं ये पनीर वाले स्टीम मोमोज, जो कि मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं। मुझे तो सिर्फ इन्हीं की खुशबू आ रही है। और गाइस मेरे सामने रखे हैं कुरकुरे मोमोज, जो कि मेरे फेवरेट हैं। सबके सामने सबके फेवरेट रखे हैं, ऐसा सबने ऐसा बोलना चाहे, बट गाइस स्टिल तीनों मोमोज बहुत डिलीशियस होते हैं। लेकिन आज हम नहीं करने वाले हैं चैलेंज। आपको दिख रहा होगा ये हमारा मिस्ट्री विद रेड चिप्स का बाउल, एंड इसके नीचे कुछ खाली प्लेट है। तो मैं आपको समझा दूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हमारा होने वाला है गेम। उस गेम में क्या है, हमको एक लिमिटेड सेकंड दिए जाएंगे, एंड उस लिमिटेड सेकंड में हमको कुछ लिमिटेड मोमोज खाने होंगे। जैसे कि 2 पनीर मोमोज खाने हैं 2 सेकंड में, या फिर 2 पनीर मोमोज खाने 10 सेकंड में। तो इसमें टोटल है 9 चिट्स, एंड हमारे साथ होंगे 3 राउंड। मतलब हर राउंड में 3-3 चिट हम लोग उठाएंगे, और फिर उसके बाद इस चिट में कुछ टास्क ऐसे हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं, और कुछ टास्क ऐसे हैं जो हो जाएंगे आसानी से। जिसने वो टास्क कंप्लीट कर लिया एक राउंड में, वो ऑफ कोर्स वो राउंड का विनर हो जाएगा, एंड जो नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा राउंड जीता होगा ऑफ कोर्स, और बाकी के 2 को देगा पनिशमेंट। गाइस देखो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास 5 सेकंड में हो सकता है उसे 3 खाने हो, और हो सकता है किसी के पास याद है कि उसको 3 सेकंड में 5 मोमोज खाने। तो ये तो पूरा ना डिपेंड करता है हमारे लक पे। और एक और बात ना, मुंह के बाहर होना चाहिए। मतलब कि जैसे थोड़ा सा मोमोज रह गया, इतना सा बाहर रह गया, एंड तो वो भी माना नहीं जाएगा, दैट वुड बी यू नो लॉस। और ना हाथ में होना चाहिए कि हाथ में आधा है और आधा मुंह में है, ये भी लॉस माना जाएगा। बेसिकली आपका मुंह ना ऐसे लॉक होना चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, भले मुंह में आपने कहीं कहीं से फाड़ फाड़ के घुसा रखे हो। तो जानवी, अभी हमने हमारी दिवाली की इतनी सारी शॉपिंग करी है सेल में, डिस्काउंट्स में, लेकिन फिर भी हमने डिस्काउंट्स के ऊपर भी डिस्काउंट एंड कैशबैक अर्न करे है ना। हाँ यार, सीरियसली इतना सारा कैशबैक मिला है ना, मतलब मेरा तो फिर से शॉपिंग करने का मन कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि साल की सबसे बड़ी सेल एजियो, मिंत्रा एंड अमेजन पे लाइव हो चुकी है, और आप सब भी उस पे शॉपिंग शुरू करने लगे होंगे। लेकिन इतने सारे डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर भी और पैसे कैसे बचाए जाए, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे आप एग्जिस्टिंग डिस्काउंट कार्ड ऑफर्स के ऊपर भी और सेविंग कर सकते हो, और वो है कैश करो के थ्रू। और कैश करो देते हैं आपको सारे डिस्काउंट्स के ऊपर भी कैश बैक। तो गाइज आइए आपको इसके बारे में और बताते हैं। गाइज कैश करो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कैश बैक एप्लीकेशन है, जो की रतन टाकर जी के थ्रू फंडेड है, तो पूरी तरह से ट्रस्टेड है। यहाँ अमेजन, एजियो, मिंत्रा और 1500+ वेबसाइट्स पर डिस्काउंट के ऊपर कैशबैक मिलता है, और ये सारे कैशबैक्स 100% रियल है। मतलब आप ये कैशबैक्स अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या फिर इसके अमेजन गिफ्ट कार्ड भी खरीद सकते हैं। और गाइस कैश करो को यूज करना काफी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करो। अब आप ऐप को स्टार्ट कीजिए, और जिस भी वेबसाइट से आपको शॉपिंग करना है उसका नेम टाइप कीजिए, अब ऑरेंज बटन पर क्लिक करो, कैश करो आपको डायरेक्टली उसी वेबसाइट पर ले जाएगा। और उसके बाद जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हो, आपको सिर्फ शॉपिंग करनी है, एंड पे यूजिंग COD और एनी अदर मेथड यू लाइक, और उसके बाद आपका सारा कैशबैक माय अर्निंग सेक्शन में ट्रैक हो जाएगा, जिसे आप सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और गाइस एक और अमेजिंग बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कैश करो अपने उन 7-8 फ्रेंड्स को रेफर करते हो जो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, तो उन्हीं के रेफर से आप महीने के 3,000-4,000 रुपए कमा सकते हो लाइफ टाइम के लिए। सो गाइस कैश करो इज ऑल इन वन एप्लीकेशन दैट इज गिविंग यू फ्री मनी फॉर शॉपिंग ऑनलाइन, सो व्हाई वुड यू नॉट वांट दैट। मेक शॉपिंग अ हैबिट फ्रॉम कैश करो टुडे, जस्ट साइन अप ऑन कैश करो विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन इवन डाउनलोड इट फ्रॉम एप स्टोर और प्ले स्टोर। मेक एटलीस्ट 1 ट्रांजेक्शन विद माई लिंक, यू विल गेट 25 रुपीज एक्स्ट्रा। अपनी लाइफ को तो सिंपल सा बन रहा है यार, हैशटैग कैश करो आज करो। सो गाइस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डाउनलोड कैश करो। तो गर्ल्स रेडी? रेडी करें, बस तो खुशबू आ जा रही है। तो गाइस आप देख सकते हो ये रही स्टॉपवॉच, एंड हम फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। लेट्स शफल द बॉक्स ऑन द काउंट ऑफ 3 सब, ओप्स, ऑन द काउंट ऑफ 3 सब अपने अपनी चॉइस पिक करेंगे। 1 2 3 ईट 2 पनीर मोमोज इन 9 सेकंड्स, ईट 4 चिली मोमोज इन 5 सेकंड्स, और गाइस ईट 1 चिली मोमोज इन 1 सेकंड। यार ये पॉसिबल तो है वैसे, सही है, मुंह में तो ढूंढना है। ये रहा तुम्हारा 1 चिली मोमो, कितना अच्छा लग रहा है पूरी थाली में एक छोटा सा, यू नो वो होता है क्लासिक रेस्टोरेंट जो होता है इतनी बड़ी थाली में छोटा सा पीस रखा होता है। चलो रेडी रेडी 3 2 1 गो।
हो गया। ये लेट क्यों शुरू हुआ? एक सेकेंड मिस, एक सेकेंड का चैलेंज कोई कर सकता है? मैंने किया। एक पॉइंट इसको मिली गया, अब देखते हैं हम दोनों को मिलता है कि नहीं। मैंने तो उम्मीद खो दी है। सो गाइस, सो गाइस, पूजा के हैं 4 चिली मोमोज इन 5 सेकंड्स। ये रहे तुम्हारे 4 चिली मोमोज एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। अरे इतना भी मट्टू से क्या बाहर गया? हो गया। तो मुझे पहले से ही पता था, कोई अफसोस करने वाली बात नहीं है। इतने बड़े बड़े मोमोज थे, ऊपर से वो टाइट थे तो एडजस्ट नहीं हो पाए मेरे मुंह में। आई एम वेरी चिल राइट नाउ। ईट 2 पनीर मोमोज इन 9 सेकंड्स। ओके गाइस, आई कैन डेफिनेटली डू इट। रेडी अवनी? यस। ओके, 3, 2, 1 गो। गाइस ओवर कॉन्फिडेंस भाई। मैं नहीं बोलूंगी कुछ। मैं गुस्सा हो गई गाइस। तो गाइस आपने देखा कि मैंने कितने चिल तरीके से मोमोज खाए हैं। मतलब सेकंड वाला थोड़ी जल्दी ढूंढना पड़ा मुझे, फर्स्ट वाले में ज्यादा टाइम लगा लिया था मैंने। जैसे कि पूजा ने बोला ओवर कॉन्फिडेंस। नो पूजा, दैट वाज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, दैट वाज अ चैलेंज। ओके तो गाइस देखना, जितना मैं चपड़ चपड़ कर रही हूँ, पहले जरा सेकंड राउंड में उतनी यू नो डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई। तो गाइस लेट्स गो टू द सेकंड राउंड एंड गर्ल्स ऑन द काउंट ऑफ 3 विल पिक द शेप। 3, 2, 1 गाइस मेरा है 8-2 कुरकुरे मोमोज इन 8 सेकंड। कैसे कर रही है? गाइस मेरा भी यही आया, ईट 1 कुरकुरा मोमोज इन 5 सेकंड्स। मतलब वाओ। शिवानी, ईट 2 कुरकुरे मोमोज इन 6 सेकंड्स। लेट्स सी शिवानी नाउ, विल यू बी एबल टू डू इट और नॉट? आर यू रेडी गोल्ड? यस यू कैन डू इट। 3, 2, 1 हो गया। यू लॉस्ट इट बेबी गर्ल, यू लॉस्ट इट। मैंने कहा था कुरकुरे मोमोज है, मैं बता रही हूँ, एक तो जा भी सकता है लेकिन 2 आई डोंट नो मेरे कैसे जाएंगे। चलो पूजा तुम्हारे पर आते हैं, 1 मोमो इन 5 सेकंड्स। ये तो तुम खा ही लोगी यार, दिस इज ऑन योर हैंड्स। रेडी? रेडी। 3, 2, 1 गो। क्या दिखाना चाह रही हो? तो गाइस चलो अब आते हैं मेरी बारी में, है 2 कुरकुरे मोमोज इन 8 सेकंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। रेडी अवनी? यस। 3, 2, 1 गो। पहले वो एक तरफ गुजार रही है, दूसरा टैलेंटेड अवनी पहले एक तरफ जगह बनाई है फिर दूसरा घुसाया उसने मुंह में। रसगुल्ले, मतलब मैंने कैसे 2 से नो नहीं चाहा और मैं चिल्ला रही थी गाइस विक्ट्री। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं एक बारी स्कोर्स को यू नो दोहराना चाहूंगी। 1, 1, 2 यो यो हनी सिंह। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने लास्ट राउंड पे। रेडी गर्ल्स? सिर्फ 3 चिल्स बची हैं। ऑन द काउंट ऑफ 3 मुझे पता था। किसको लग रहा है कि किस किस को पॉइंट्स मिल सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं मिलने वाले। गाइस मेरे हैं ईट 3 पनीर मोमोज इन 3 सेकंड्स। गाइस मेरे हैं ईट 4 चिली मोमोज इन 10 सेकंड्स। यार ये तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। गाइस ईट 5 पनीर मोमोज इन 2 सेकंड्स। ये तो ज्यादा ही हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया तो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट। कितने मोमोज हैं? 5। कितने सेकंड्स? 2। रेडी शिवानी? 2 सेकंड में खाने हैं 5 मोमोज। योर टाइम स्टार्ट्स 1, 2, 3 2 हो गया। हो गया। लेकिन यार टेक्निक बढ़िया यूज कर रही थी लड़की हमारी, थोड़ा सा टाइम होता ना इसके पास तो ये खा लेती। तो गाइस अब हम चलते हैं पूजा की तरफ। पूजा तुम्हारा क्या था? 4 चिली मोमोज इन 10 सेकंड्स। I hope you can do it. No, I grab the point, Pooja. Yes, you can do it.
तो पूजा आर यू रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 गो। ज़्यादा मत ठूसना। वैसे तो मत ही ठूसो अब तुम। दो मोमोज में आके सबकी गड़े अटक रही है। हाँ हाँ बहुत बड़े। चलो गाइस पूजा तब तक खा रही है तब तक हम कंटिन्यू करते हैं मेरी तरफ। एंड 3 पनीर मोमोज इन 3 सेकेंड्स। आई ओनली हैव 3 सेकेंड्स फॉर दीज 3 मोमोज। रेडी 1 2 3 गो। कहाँ से लाया मैं लड़की को? अंदर दिखाना, दिखने में तो छोटा सा लगता है। अंदर यूनिवर्स बजा रखा है। हमारी तीनों राउंड में मतलब पॉइंट्स अगर किसी को मिले हैं तो वह है अवनी। बस सो गाइस आई एम हियर इन बिटवीन ऑफ दीस टू बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव देम पनिशमेंट। जैसे कि आपने देखा कि आई एम द ओनली वन अमंग 3 जिन्होंने पूरे राउंड जीते हैं। यहाँ पे किसी को ताज दिख रहा है? नहीं। आई एम वेयरिंग अ क्राउन राइट नाउ, अ फूडी क्राउन। ओके तो गाइस अब आते हैं नाना की पनिशमेंट पे जो कि एकदम अमेजिंग है। आप देख सकते हो कि थोड़ी सा अंधेरा हो चुका है, थोड़ा नहीं ज्यादा हो चुका है। फ्लैश लाइट में हम काम कर रहे हैं, फील आ रही है एकदम। तो आप देख सकते हो कि अंधेरा हो चुका है एंड पनिशमेंट भी इतनी ही परफेक्ट है जितने परफेक्ट हमारा अभी ये इवनिंग हो रही है। तो गाइस ये कोलगेट लगेगा एज अ फेस पैक इन दोनों के मुंह पे एंड ये वेज मेयोनीज लगेगी इन दोनों के बालों पे एज अ हेयर पैक। क्या बोल दिया तुमने? देखो कोलगेट को ना मुंह पे लगाया जाता है फॉर अ पिंपल ट्रीटमेंट। अबे मैं मेयोनीज के लिए डर रही हूँ। मेयोनीज का भी पैक बनता है पता है? अरे सच बता रही हूँ, गूगल कर लेना। मेयोनीज को बालों में लगाने से ना बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो गाइस अब आती है बारी मेयोनीज की। गाइस देखो ये मेयोनीज तुम्हारे बाल इसके बाद तुम्हें मिलेंगे एकदम सॉफ्ट। आर यू रेडी शिवानी?